हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं सभी लोग? आए हो पच्चे होंगे। चलिए आज फिर आपके लिए बॉलीवुड इंडस्ट्री की कुछ और दिलचस्प स्टोरीज लेकर आई हूँ। आई होप आपको पसंद आए। जब शूटिंग के दौरान इस एक्टर पर छोड़ी गई थी ढेर सारी मधुमक्खियाँ, किस्सा जान रह जाएंगे आप दंग। जैकी श्रॉफ का ये किस्सा साल 1982 का है, जब वो इंडस्ट्री में खुद को स्थापित करने में लगे थे। इस दौरान एक्टर को देवानंद की फिल्म स्वामी दादा में काम करने का मौका मिला था। इस फिल्म में मेन लीड दिग्गज एक्टर देवानंद कर रहे थे, वहीं जैकी फिल्म में सेकंड लीड निभाना चाहते थे, लेकिन वो रोल मिथुन चक्रवर्ती को मिल गया था। हालांकि जैकी एक छोटे से सीन के जरिए इस फिल्म का हिस्सा जरूर बने थे। इसका एक किस्सा एक्टर ने सालों पहले अपने एक इंटरव्यू में शेयर किया था। उन्होंने कहा था कि इस फिल्म की शूटिंग के दौरान उन पर मधुमक्खियां छोड़ दी गई थी। साल 2011 में मुंबई मिरर को एक इंटरव्यू में दिए गए जैकी श्रॉफ ने बताया था कि बतौर जूनियर आर्टिस्ट मेरा उस फिल्म का पहला दिन था। जब हम सीन शूट करने लगे तो मेरे और शक्ति कपूर के पीछे मधुमक्खियों को छोड़ दिया गया था। जैसे ही सीन शुरू हुआ, हम तेज तेज दौड़ने लगे, तब मुझे ये एहसास हुआ कि अरे ये एक्टिंग नहीं है, ये तो सच में हमारे साथ हो रहा है। लेकिन मैंने सीन कैसे भी करके पूरा कर दिया था। जैकी श्रॉफ ने ये भी खुलासा किया था कि उस वक्त हम बड़े स्टार नहीं थे, इसलिए इस फिल्म में दूसरा लीड रोल उनकी जगह मिथुन चक्रवर्ती को दे दिया गया था। जैकी श्रॉफ ने बताया कि वो देवानंद साहब के बहुत बड़े फैन थे, इसलिए वो फिल्म में एक छोटा सा रोल करने के लिए भी तैयार हो गए थे। बता दें, इस फिल्म में जैकी के अलावा रति अग्निहोत्री, नसरुद्दीन शाह, पद्मनी कोल्हापुरी जैसे टैलेंटेड स्टार भी अहम किरदारों में नजर आए थे। आपको स्टोरी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।